जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे पुण्य तत्व। नौ तत्वों में जीव और अजीव के बाद तीसरा तत्व पुण्य है। सांसारिक जीव जब तक मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कर्म उसके जीवन में आते जाते रहते हैं। संयोगी केवली अवस्था तक 13वें गुणस्थान कर्मों का आवागमन जारी रहता था, क्योंकि जब तक जीव के साथ शरीर है, तब तक उसे शरीर से कोई न कोई क्रिया करनी पड़ती है। संसार के प्रत्येक जीव को चाहे द्रव्य मन और द्रव्य वचन न भी हो, किंतु तन तो उसके साथ जन्म जन्मांतर तक लगा रहता है। तन से प्रवृत्ति करते समय या तो आत्मा शुभ भावों में संलग्न होती है या अशुभ भावों से युक्त होती। अगर शुभ भावों से युक्त होती तो शुभ कर्मों के आगमन को आमंत्रित करती, और अशुभ भावों से युक्त होती तो अशुभ कर्मों को आमंत्रित करती है। स्पष्ट है, मानसिक, वाचिक और कायिक कोई भी प्रवृत्ति करते समय जीव यदि शुभ भावों से युक्त होती है तो पुण्य कर्म के बीज बोता है, और अशुभ भावों से युक्त होती है तो पाप कर्म के बीज बोता है। पुण्य की व्याख्या, पुण्यति शुभ करोति, पुण्योति वा पावित्री, करोत्यात्मानम इति पुण्यम। अर्थात जो आत्मा को शुभ करता है और अथवा उसे पवित्र बनाता है, जिसकी शुभ प्रकृति हो, जिसका परिणाम मधुर हो, जो सुख संपदा प्रदान करें, उसे पुण्य कहते हैं। तत्वात सूत्र में कहा गया है, शुभ पुण्यस्थ अर्थात शुभ योग पुण्य का आश्रय है। सारी शुभ प्रवृत्तियां और शुभ प्रकृतियां पुण्य के अंतर्गत समाविष्ट हो जाती है। संसार में जो कुछ भी शुभ है वह सब पुण्य और पुण्य के फल में अंतर्निहित है, अतः पुण्य आत्मा के लिए उपकारक है। यहाँ तक कि तीर्थंकरत्व की प्राप्ति का कारण भी तीर्थंकरत्व नामक पुण्य प्रकृति है। पुण्य नौ प्रकार का है। पुण्य उपार्जन करने के लिए शास्त्रकार ने नौ प्रकार बताए हैं। अन्न पुण्य, शुभ भावों से निस्वार्थ भावना पूर्वक भूखे को भोजन आदि देकर उसकी भूख मिटाने से पुण्य बंद होता है, वह अन्य पुण्य है। उसमें विधि, द्रव्य, दाता और पात्र लेने वाले को विशिष्ट्य से पुण्य बंद में विशिष्टता आती है। पान पुण्य, प्यासे को शुभ भाव से पेयजल पिलाकर उसकी प्यास शांत करने से जो पुण्य प्रकृति का बंध होता है वह पान पुण्य है। लयन पुण्य, बेघर बार एवं निरक्षित को आश्रय के लिए मकान आदि स्थान देने से पुण्य प्रकृति का जो बंध होता है वह लयन पुण्य है। शयन पुण्य, पाट, पाटला, शैया, बिछौना, चटाई आदि शयनीय सामग्री देने से जो पुण्य बंध होता है वह शयन पुण्य है। वस्त्र पुण्य, सर्दी, गर्मी, वर्षा से पीड़ित व्यक्ति को इनसे रक्षा के लिए वस्त्रों का दान करने से जो पुण्य बंध होता है वह वस्त्र पुण्य है। मन पुण्य, मन से दूसरों की, गुणीजनों की भलाई चाहने से, गुणियों के प्रति तुष्टि प्रमोद भावना रखने से मन पुण्य होता है। वचन पुण्य, वचनों द्वारा गुणीजनों का कीर्तन करने से, उनकी प्रशंसा करने से तथा हित मित प्रिय वचन बोलने से वचन पुण्य होता है। काय पुण्य, रोगी, पीड़ित, दुखित एवं संतप्त व्यक्तियों की शरीर द्वारा सेवा करने से, अन्य जीवों को साता पहुंचाने से, पराया दुख दूर करने से, गुणीजनों की सेवा, शुश्रूषा, पर्युपासना करने से जो पुण्य प्रकृति का बंध होता है वह काय पुण्य है। नमस्कार पुण्य, पंच परमेष्ठी आदि योग्य पात्र को नमस्कार करने से एवं सबके साथ विनम्र व्यवहार करने से जो पुण्य प्रकृति का बंध होता है वह नमस्कार पुण्य है। पुण्य के दो भेद है, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य, जो पुण्य पुण्य की परंपरा को चला सके, अर्थात जिस पुण्य को भोगते हुए नवीन पुण्य का बंध हो
वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। उदाहरण, एक मानव को पूर्व भव के पुण्य से सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त हुए तथा मोह में उसमें पागल न बनकर आत्महित के उद्देश्य से वह मुक्ति की अभिलाषा रखता है, पूर्व पुण्य का उपभोग करता हुआ नवीन पुण्यों का बंद करता है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। जैसे सुबाहु कुमार एवं भरत चक्रवर्ती आदि के पूर्वापार्जित पुण्य से चक्रवर्तित्व पाया और फिर उसमें भी श्रेष्ठ स्थिति मुक्ति प्राप्त की। पापानुबंधी पुण्य, जो पुण्य नवीन पाप बंद का कारण हो, अर्थात पूर्वापार्जित पुण्य प्रकृति के कारण वर्तमान में तो शुभ सामग्री प्राप्त हुई हो, परंतु मोह की प्रबलता से असदाचारी बनकर पाप करना, आगमी भव में जो अशुभ सामग्री की प्राप्ति का कारण बने वह पापानुबंधी पुण्य है। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को पूर्ण रूप से चक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ किंतु तीव्र भोगासक्ति के कारण उसे नरक में जाना पड़ा। पुण्य क्रिया किए बिना पाप क्रिया रुक नहीं सकती। जब तक जीवन में पाप क्रिया चालू है तब तक पुण्य क्रिया की आवश्यकता है। पाप आत्मा को मलिन करता है, पुण्य आत्मा को पवित्र बनाता है। पुण्य कार्य करने में ख्याल रखना अत्यंत जरूरी है कि हमें पुण्य कार्य के बदले में किसी भौतिक सुख या पदार्थ की कामना करने की नहीं है। केवल आत्मकल्याण के शुभ उद्देश्य से ही पुण्य कार्य होता है। दूसरी इच्छा रखने से वह पुण्य का फल सीमित और संसार सर्जक बन जाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य आत्मा को मोक्ष योग्य सभी सामग्री अनुकूलता प्रदान करके मार्गदर्शन की तरह अपनी मुदत तक रहकर वह आपस चला जाता है। आत्मा को वह संसार में रोक नहीं सकता। धन्यवाद।